खवातीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियोज से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में कल होने वाले सदारती इंतखाबात, मुशाहिद हुसैन सैयद के बयान और महमूद अचकज़ई की जानिब से सदारती इंतखाबात मुलतवी करने के मौजूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं इस्लामाबाद से मुमताज़ सहाफ़ी व तजिया निगार जावेद सिद्दीक़ साहब। जावेद सिद्दीक़ साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जावेद सिद्दीक़ साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पीटीआई के रहनुमा ने, बानी रहनुमा ने आईएमएफ को ख़त लिखा और उस पर ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्या इसकी वजह से पाकिस्तान को मिलने वाली जो ग्रांट या इमदाद है उस पर कोई असर पड़ेगा, जबकि उनकी मुखालिफ जमातें से गद्दारी से तशबीह दे रही हैं और इसे मुल्की मफाद के खिलाफ एक एक्शन करार दे रही हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इसके कोई असरात मुरतब होंगे और आईएमएफ उनके खत का कोई असर लेगी? मेरा ख्याल आईएमएफ ने ये वाजे कर दिया है कि वो नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और एक मस्बत या पॉजिटिव सिग्नल उन्होंने दिया है कि वो इमरान खान के खत से ज्यादा मुतासर नहीं है आईएमएफ, और ये खत कोई रुकावट नहीं बनेगा क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि वो नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। इब्तदाई जो रबते हैं आईएमएफ के साथ वो हो चुके हैं, सो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक तो बात आगे की तरफ जा रही है। अलबत्ता खत लिखना बजाते ही एक ऐसा अमल है जिस पर बड़ी तनकीद और ले दे हो रही है। खत लिखने से पीटीआई की जो एक किस्म की आप कह रहे हैं कि गैर मुल्की मुदाखलत को दावत देना है, उस पर उनको सियासी नुकसान हो रहा है। अपनी जो घर की लड़ाई है, सियासी लड़ाई है, आइनी लड़ाई है, अखलाकी लड़ाई है, इलेक्शन वाली लड़ाई है, उसको घर के अंदर ही रखना चाहिए। इससे पहले अगर आपको याद हो 1990 में बेनजीर भुट्टो जब इलेक्शन हारी थी नवाज शरीफ से, तो उन्होंने भी एक स्टेट डिपार्टमेंट को खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1990 के इलेक्शंस जो है वो मुनसफाना नहीं हुए, इसलिए पाकिस्तान को इक्तसादी और फौजी इमदाद बंद कर। उस पर बड़ी तनकीद हुई थी। उस वक्त के जो चीफ बेग, उन्होंने कहा था कि जो लोग बैरून मुल्क से इमदाद मुदाखलत कौम रिजेक्ट कर, तो 90 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को बहुत कम नशिस्तें मिली थी, सिर्फ 45 नशिस्तें उनको कौमी असम्बली की मिल सकी थी। तो ये बैरूनी खत लिखना या बैरूनी चीज़ों को अपने मुल्क में उनको अदारों को मुदाखलत का जवाब फराहम करना या रास्ता फराहम करना, ये मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर अच्छी ही है। उनको इससे इज्तनाब करना चाहिए, जबकि उनके खत का कोई असर भी नहीं होगा। और उन्होंने जो मुतालबा किया कि ऑडिट कराया जाए इलेक्शंस का और ऑडिट से पहले इमदाद ना दी जाए, तो उनका मुझे नहीं लगता कि ये मुतालबा जो है माना जाएगा। जी अच्छा, कल पाकिस्तान में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर उम्मीदवार हैं, दूसरी जानिब बलूचिस्तान से महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुत्तफ़िका उम्मीदवार हो गए हैं और पीटीआई के। अब सदर जरदारी जब पहली मरतबा सदर थे, उनके पास 58(2)(b) का इख्तियार था, बड़े पावरफुल सदर थे, लेकिन अब जो सदर वो बनेंगे उसमें सदर की ना चोंच होगी ना दांत होंगे। और उसकी तरफ कल रात अशाइये में बिलावल भुट्टो ने भी इशारा कर दिया कि जी वो अपना जरदारी साहब जो है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड या मलका बरतानिया बन जाएंगे या उस कसम के सदर होंगे। तो ये कोई गुनाह बेलज़्ज़त है या क्या है कि सदर जरदारी जहाँ इतने ताकतवर सदर थे वहां ऐसे एक बेअख्तियार ऐवान सदर के कैदी के तौर पर बैठेंगे, क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है वो उनको एक आदत पड़ी हुई है कि उन्होंने जो उस वक्त चूंकि वो पार्टी के सदर भी थे जब वो सदर बने थे, 58(2)(b) के इख्तियारात वापस करने के बावजूद उनके पास बड़ी ये ताकत थी कि वो पार्टी के सरबराह थे,
प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त का था यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ बाद में बने, वो उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। हर जो हदायत वो लेते थे वो अवाने सदर से लेते थे। सो मैं समझता हूँ कि उनकी वो पोजीशन अब नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद उनको एक सदर होने के नाते फौज के साथ उनका रابطہ रहेगा, आर्मी के वो जो है ना सदर बलियाज ओहदा फौज के कमांडर इन चीफ भी हैं। सो उनको एक एडवांटेज ये होगा कि उनका फौज की आला क्यादत से लिंक रहेगा और वो बादशाह गरी में और सौदेबाजी में और राहत हासिल करने में अपना कोई सानी नहीं रखते। वो बड़ा चार्मिंग पॉलिटिशियन है, यानी वो दूसरों को अपने साथ मिलाने में, अपना नुक्ता नजर मनवाने में अपना सानी नहीं रखते, तो उनको ये एडवांटेज है वो यहाँ रहेंगे। और उनका ख्याल है कि वो वहाँ बैठ के पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और शायद बलूचिस्तान में भी उनका वजीर आला होगा, तो वो शायद इस तरह सोच रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह की अखलाकी या आइनी कुमक अगर जरूरत पड़े तो वो इनको फराहम करेंगे। तो ये दुरुस्त है कि उनके पास वो इख्तियार नहीं है। और वैसे ये भी है कि जरदारी साहब ने अपने दौर में 2008 से 13 तक बहुत से इख्तियार जो है पार्लियामेंट को मुंतकिल करके ये सिग्नल दिया था कि वो पार्लियामेंट को ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते बनिस्बत प्रेजिडेंसी के। सो उस उनको एडवांटेजेस नजर आते हैं प्रेजिडेंसी में, इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन जो है वो लिया है। जावेद साहब, अभी जो हैं दूसरे सदर के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया है कि सदारती इंतखाबात जो हैं मुलतवी कर दिए जाएं, क्योंकि हाउस कंप्लीट नहीं है। आपके सामने है मखसूस नशिस्तों वाला जो मसला है, वो ऊंट के कुहान की तरह ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, और कुछ सीटें अभी भी खाली हैं। तो नामुकम्मल ऐवान के साथ सदारती इलेक्शन में जाना क्या एक और डिवीजन को क्रिएट करेगा, या ये इसके ऊपर मिट्टी डालने में कामयाब हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये जो मखसूस नशस्तों का मामला है, पेशावर हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ स्टे दिया है कि जब तक ये सीटें या जब तक कोर्ट फैसला ना करे मखसूस नशस्तों पर इंतखाब नहीं हो सकता। तो इसका जो एडवांटेज पीएमएलएन और पीपीपी को होना था वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि अभी तक वो होल्ड पे है, उसको रोक दिया गया है। और पीटीआई कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, हम सुप्रीम कोर्ट से ये कहेंगे या इस्तदा करेंगे कि वो इस पहले हाउस को मुकम्मल करे, उसके बाद सदारती इंतखाब हो। अब ये पता नहीं कि आज या कल में वो मंडे को जाते हैं, कब जाएंगे। अगर वो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें इंटरवीन करती है, अगर करती है, तो इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। बाज़ाहिर तो नजर नहीं आता कि मुलतवी हो। जितने भी ऐवान के मेंबर हैं वो इलेक्शन में, कल 9 मार्च को शेड्यूल्ड है इलेक्शन, तो कल वो इलेक्शन होके रहेगा और उसके लिए तैयारियां हैं। ये अलग बात कि जो स्पेशल रिजर्व सीट्स थी वो हुकूमत को नहीं मिल सकेंगी, और उनका जो अंदाजा था कि 345 या कितनी उन्होंने कैलकुलेशन की हुई थी वो अब कम हो जाएगी, क्योंकि उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। बहरहाल जो शेड्यूल दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदारती इलेक्शन का, उसके मुताबिक कल जो है यहाँ पे पोलिंग होगी वफाक में भी और सूबों के अंदर भी। अच्छा जावेद साहब, कल सेनेट के आखिरी इजलास में साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि जी मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है और इमरान खान को रहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। बड़ा ही एक दबंग स्टेटमेंट उनकी तरफ से, और लेकिन यह है कि किसी और जानिब से उनको कोई ताईद नहीं दी गई। इवन पीएमएलएन के किसी भी रहनुमा ने कोई इससे मिलती जुलती कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना उनके इस बयान की कोई ताईद की है, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है उन्होंने मुशाहिद साहब को ये भी है कि वो पीएमएलएन की टिकट पे सेनेट का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था और वो सेनेटर बने थे, लेकिन अब चूंकि पीएमएलएन उनको सपोर्ट नहीं करती
और वो उन्होंने इनको नॉमिनेट भी नहीं किया हुआ, सो उनका ये सेनेट का जो सफर था वो तमाम हुआ और उनको उम्मीद नहीं है कि वो दोबारा सेनेट में इलेक्ट हो सकेंगे। सो उन्होंने एक तरह से अपनी जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है उसमें इस बयान के जरिए दूसरी तरफ से हमायत हासिल करने की कोशिश की है। कुछ अरसे से वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि इमरान खान जो है वो एक सियासी कैदी है और उसको रहा किया जाना चाहिए, यानी प्रो पीटीआई स्टेटमेंट्स उनकी थी। और कल उन्होंने बबांगे धौल सेनेट के इलेक्शन सेनेट के प्लेटफॉर्म से ये कह दिया कि वो सियासी कैदी उनको रहा किया जाए। तो एक तरह से उन्होंने पीटीआई का की हमायत या मॉरल सपोर्ट या पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करने की कोशिश किया, वो एक अरसे से ये मौकफ इख्तियार कर रहे हैं। बहुत से और सियासतदान जो हैं वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि उनको रहा कर दिया जाए और एक नई शुरुआत एक नई बिगिनिंग की जाए, पाकिस्तान में रिकंसिलिएशन और मुसालियत की तरफ सफर किया जाए, इस कशीदगी और टेंशन को खत्म किया जाए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक, मेरा अगला सवाल यह है। अच्छा, आपने बिगिनिंग की बात की, दो वज़राए आलम ने अपनी सियासी इनिंग बतौर वजीर आला पहली मरतबा स्टार्ट की है। एपीके में अली अमीन गंडापुर हैं, पंजाब में मरियम नवाज शरीफ हैं, तो आप उनकी जो ओपनिंग बैट्समैनशिप है उसे कैसे देख रहे हैं कि उन्होंने जो स्टार्ट लिया है एक हफ्ता या आठ दस दिन में, तो वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, जो अली अमीन गंडापुर का मामला है वो जरा थोड़ा सा पेचीदा है। ही इज नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि वो उनके साथ चलना मुश्किल है। तो और वो आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब पेशावर गए तो उन्होंने उनका इस्तकबाल भी नहीं किया और वहां पे उस गवर्नर हाउस की तकरीर में वो शरीक भी नहीं हुए और उनके बयानात जो है बड़े जारहाना हैं। तो एक ख्याल ये है कि उनकी और वफाकी गवर्नमेंट के दरमियान सुलह सफाई के कोई इम्कानात नहीं है और ये एक टेंशन जो है रहेगी। और केपीके की गवर्नमेंट जो है वफाक के साथ उसके ताल्लुकात उनकी मौजूदगी में बेहतर नहीं हो सकते, इसका नुकसान सूबे के लोगों को होगा और ये बात जो है ये आम कही जा रही है। हाँ, अगर कोई डील हो जाती है इमरान खान के साथ, जिसकी बातें होती रही हैं कि अगर उनको कोई रिलीफ मिल जाता है और फिर वो शायद वो जो मुसालियती किरदार है वो अदा कर सकते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मौजूदा तनाजर में ये मुमकिन नजर नहीं आता। सो मैं समझता हूँ कि वो तो एक मुश्किल मामला है। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, वो एक खातून वज़ीर आला बनी है, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर पहले खातून थी नज़ीर भुट्टो, अब वो आई है सीएम, उनको बड़ी अक्सरियत हासिल है और वो कोशिश कर रही हैं कि वो सूबे को दोबारा पीएमएलएन का गढ़ या किला बनाएं और वो पंजाब को रीगेन करना चाहती हैं। उसके लिए कई इनिशिएटिव्स वो लेना चाह रही हैं और लेट अस सी कि वो कर सकेंगी या नहीं, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि पंजाब के अवाम को फिर से रिलीफ दे के उनको हमनवा और अपना हमायती बनाया जाए। तो दोनों में बड़ा फर्क है, वो बड़े अग्रेसिव हैं अली अमीन गंडापुर और ये जो है ये वफाक की के साथ इनकी तो बड़ी जबरदस्त इक्वेशन है। इनके चचा प्राइम मिनिस्टर हैं और वो सूबे के सबसे बड़े पंजाब जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है उसकी वजीर आला है, तो उनकी इक्वेशन वफाक के साथ बहुत आला और बहुत अच्छी और बहुत आरामदेह है। सर, उनके दो जो चीज़ें या इकदामात कह लें वो बैक फायर कर गए। एक तो उनका स्कूल का विजिट था जिसमें वो किसी क्लासरूम में तलबा से महवे गुफ्तगू थी, दूसरा वो आटे के थैले जिस पर मियां नवाज शरीफ की तकरीर थी, वो माफी तस्वीर थी, वो जो है सोशल मीडिया की एक दास्ताने रोज़ो शब बन गई, तो उस पर क्या कहेंगे, क्या वो कोई नुकसानदेह अमल था या ये भी सरफे नजर हो जाएगा?
मेरा ख्याल है कि वो जो जिसे कहते हैं ना शी इज लर्निंग द रोप्स, वो अब सीखने की कोशिश कर रही है कि सियासत में कैसे मौसर तरीके से एंटर हो, तो इनिशिएटिव्स वो ले रही हैं, लेकिन कई चीजें जैसे आपने कहा बैक फायर कर रही हैं, और वो ना तजर्बाकारी की वजह से कर रही हैं, उनका इतना तजर्बा नहीं है, और खास तौर पे उनके साथ मुझे लगता है कि कोई ऐसा अच्छा अभी तक शायद वो उनके साथियों या मशीरों में ऐसा नहीं है जो उनको बताए कि इसका सियासी एतबार से नफ्सियाती एतबार से मौजूदा माहौल में क्या असर पड़ेगा। सो एक तो ये बात है, इसलिए वो स्कूल वाला मामला जो है वो बैक फायर कर गया। दूसरी बात यह है कि जहां तक उनका वो थैलों की ताल्लुक है, ये पीएमएलएन की एक रवायत रही है कि वो हर प्रोजेक्ट को जिसको वो लॉन्च करते हैं उसके ऊपर अपनी तस्वीरें और इश्तारबाजी बड़े पैमाने पे करते हैं। ये कई उनके सियासी राइवल भी या रकीब भी या मुखालिफ भी कहते हैं कि वो हर चीज को हर प्रोजेक्ट को अपने जात से लिंक करते हैं, मंसूब करते हैं, और पैसा हुकूमत का खर्च होता है लेकिन वो तस्वीरें अपनी खिंचवाते हैं और अपनी तस्वीरों के जरिए वो इसकी पब्लिसिटी कराने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट लेते हैं। तो ये उसी का हिस्सा है जो आपने आटे के थैले पे बात की, उस पर सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हो रही है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गरीबों को जो इमदाद दी जाती है और खासतौर पर कौमी खजाने से दी जाने वाली इमदाद को इस तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए। जी अच्छा, एक और पहलू है के पी के की हुकूमत का कि अली अमीन गंडापुर ने यकम रमजान से तमाम शहरियों के लिए सेहत कार्ड की सहूलत दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है, और इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए की जुजवी अदायगी भी की गई है। लेकिन माहिरीन मईशत ये बता रहे हैं कि जो डेफिसिट है या जो खसारा है के पी के हुकूमत का, वो 700 अरब रुपए है, जबकि निगरान वजीर जो हैं जो के पी के की हुकूमत अभी ख़त्म करके गए हैं, वो बता रहे हैं कि ये खजाने में 100 अरब रुपया हम छोड़ के जा रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि ये 2 महीने के अखराजात के बराबर भी रकम वहाँ मौजूद नहीं है, और इतना बड़ा उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो क्या उन्होंने भी कोई वो जमींदोज वो जो क्या कहते हैं बारूदी सुरंग बिछा दी है, या इसका कोई बेनिफिट होगा? देखिए, जो ये सेहत कार्ड है ये पीटीआई का एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, उस पर इन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी क्रेडिट भी लिया और ली, और आप सेहत कार्ड शुरू होने की बात हो रही है, जारी करने की बात कर रहे हैं पीएमएलएन वाले, तो ये एक अच्छा फैसला था। लोगों को जो हेल्थ की फैसिलिटीज है वो इसके जरिए मिल रही थी, गरीब लोगों का इलाज हो रहा था, तो उन्होंने एक तरह से आते ही जो अपना बड़ा महबूब प्रोजेक्ट है पीटीआई का और उसकी शनाख्त बन रही थी इस प्रोजेक्ट से, वो प्रोजेक्ट उन्होंने रीलॉन्च कर दिया है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें ये नहीं देखा जाता कि खजाने को क्या नुकसान है, इसकी पॉलिटिकल इसकी जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो क्या होंगी, बल्कि ये देखा जाता है कि उससे उनको सियासी एडवांटेज कितना मिलेगा। तो ये जो ये ट्रेंड है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा से रहा है, और लगता है कि ये ट्रेंड जो है ये रहेगा। अच्छा सर, ये कल वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने एक इजलास की सदारत की, उन्होंने कहा जी निजकारी का अमल तेज किया जाए, और खास तौर पे उन्होंने कहा कि जो पीआईए की जो निजकारी है वो तो बिल्कुल फौरी तौर पे अमल में लाई जाए क्योंकि सारी तैयारी मुकम्मल है। अब मसला ये है कि उनकी जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो इन इदारों को अपने सर का ताज समझती है कि भुट्टो साहब ने नेशनलाइज करके ये इदारे कायम किए थे या बाग के सरकार जब्त किए थे, तो क्या समझते हैं कि दोनों के दरमियान इसी मसले पर कोई कशीदगी हो सकती है, और या फिर ये निजकारी का अमल जो है इसको मुलतवी किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि निजकारी के लिए पीपल्स पार्टी भी तैयार है, उसकी वजह यह है कि वो जो दौर था जिस दौर में बड़ी तादाद में हजारों की तादाद में प्रो पीपल्स पार्टी के हामी लोग जो है पीआईए में काम करते थे, वो बहुत बड़ी तादाद में गोल्डन हैंडशेक लेके
या किसी और जरिए से फारग हो चुके हैं, तो अब उनकी तादाद बहुत कम रह गई है। और वैसे IMF और वर्ल्ड बैंक और सारे इदारे ये कह रहे हैं कि आप इस इदारों को जो स्टील मिल रहा है, PIA और दूसरे बहुत से इदारे हैं, 200 के करीब इदारे हैं जिनको के स्टेट ओन्ड एंटिटीज SOEs कहते हैं, वो खरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, तो इनसे जान छुड़ाई जाए। तो मैं समझता हूँ इस पे इत्तेफाक राय है और मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इसकी उस शद्दोमत से करेगी मुखालफत जैसे पहले भी थी बेनजीर भुट्टो के दौर में या उसके बाद। अब वो मजदूरों के हक में बात तो करते हैं लेकिन उनको वो कहेंगे कि इनको सहूलतें दी जाए, इनको बकायदा कॉम्पनसेट किया जाए, तो उस कॉम्पनसेशन की वजह से वो शायद उनको इस तरह की बातें करके वो निजकारी के अमल को उसकी मुखालफत वो नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें मुमताज़ सहाफ़ी व तज़िया निगार जावेद सिद्दीक़ साहब ने हमारे सवालात के जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।